नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक ग्रुप, और ग्रुप में हम सब ग्रुप की डेफिनेशन और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट, जो किसी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट है, जी एक हमारा एक ग्रुप है और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, उसको हमें सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम क्या करें। तो उसके लिए हमने पहले ये पढ़ा था कि वन स्टेप टेस्ट, जो कि ये है कि फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ एच, यानी कि एच के कोई भी दो एलिमेंट आप ले और ए बी इनवर्स फाइंड करें तो वो किस में आना चाहिए, वो एच में अगर आ गया तो हम यू कहेंगे कि एच जो है वो हमारा जी का सब ग्रुप हो गया। ये इतना सा हमें करना होता था और हमारे सब ग्रुप प्रूव हो जाता। अब हम वन स्टेप टेस्ट से हम एक और थ्योरम पढ़ना चाहते हैं, वो है हमारा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, यानी कि हम दो स्टेप में, यहाँ केवल सिर्फ एक स्टेप हम करते थे उससे सब ग्रुप प्रूव हो जाता था, परंतु अब हम क्या करेंगे, दो चीजें प्रूव करेंगे। किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए ए भी एच में मिलना चाहिए और ए इनवर्स भी किसमें मिलना चाहिए, एच में मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो एच है हमारा जी का, जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो हमारा जी का सब ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब हमारे पास वन स्टेप टेस्ट था, यानी कि जो काम हम एक स्टेप में कर रहे थे उसको वापस हम दो स्टेप में क्यों करें, मतलब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ये लंबा मेथड क्यों लाए, लंबा मेथड क्यों होता है। तो उसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। एग्जांपल हम बताएंगे कि एग्जांपल में वन स्टेप लगाना हमारे लिए कठिन है, इस वजह से हम टू स्टेप टेस्ट हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जांपल क्या है। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक ग्रुप लिया हमने, मान लो कोई सा भी ग्रुप ले लो, जी इज ए ग्रुप, और ये ग्रुप जो है हमारे आबेलियन ग्रुप ले रहे हैं। जी क्या है, हमारा आबेलियन ग्रुप है और उसका जो सबसेट ले रहे हैं वो हम लेना चाहते हैं कि उसके वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ये हमारा सबसेट है। ठीक है, तो ये सबसेट है और हम इसको सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं जी का। तो हम क्या करें, वन स्टेप टेस्ट लगाएं या टू स्टेप टेस्ट लगाएं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो सबसेट है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है या नहीं। तो हम जानते हैं कि जो E का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ E, यानी कि जो आइडेंटिटी होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, वन होता है, इसलिए आइडेंटिटी तो इस सेट में मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हमें कम से कम एक एलिमेंट एच में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जो सबसेट है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब हमें अगर हम वन स्टेप टेस्ट लगाना चाहे तो हम दो एलिमेंट लेंगे एच से, फिर इनको हम दिखाएंगे कि इससे ए बी इनवर्स भी हमें एच में मिल रहा है, ये तो हमारा वन स्टेप टेस्ट होगा। परंतु अगर हम यहाँ टेक्निकली देखें कि दो एलिमेंट एच के लें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ ऑर्डर ऑफ ए, या ऐसे लिख दीजिए आप, ऑर्डर ऑफ ए भी फाइनाइट है और ऑर्डर ऑफ बी भी क्या है, फाइनाइट है। इसको हम कुछ क्वांटिटी ले लें, फाइनाइट कोई भी नंबर ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये एन है और इसको हम मान लेते हैं कि ये n है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि a का ऑर्डर जो है वो n है और b का ऑर्डर जो है वो n है। अब हमें वन स्टेप टेस्ट के लिए, हमें वन स्टेप टेस्ट के लिए क्या करना है, a b इनवर्स एलिमेंट ऑफ s दिखाना है। तो अगर हम क्या प्रूव करना चाहें कि a b इनवर्स एलिमेंट ऑफ h है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ
एबी इनवर्स क्या है, वो फाइनाइट है। ठीक है, तो हम अब यहां से देखें टेक्निकली, तो हमारे पास ए का ऑर्डर ए के बारे में जानकारी है और बी के बारे में जानकारी है। एक तो हम यहां बी इनवर्स के बारे में हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी इनवर्स की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस पे काम कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे वन स्टेप अगर टेस्ट लगाएंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से हम यहाँ पर वन स्टेप टेस्ट न लगाकर टू स्टेप टेस्ट की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, एम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की पावर एम जो है वो आइडेंटिटी आएगा। बी का ऑर्डर क्या है, एन है, तो बी की पावर एन जो है वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, हमारा जो टू स्टेप टेस्ट है, टू स्टेप टेस्ट में हमें क्या करना है, ए बी इसमें दिखाना है एच में और ए इनवर्स किसमें दिखाना है, एच में। तो हम ए बी के लिए कैलकुलेशन करें तो हम यहां देख सकते हैं कि अगर AB की पावर MN लगाई जाए, AB की पावर क्या लगाई जाए, MN लगाई जाए, तो आबेलियन होने की वजह से, आबेलियन ग्रुप होने की वजह से, अगर आबेलियन नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते, आबेलियन ग्रुप होने की वजह से ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि A की पावर MN और B की पावर MN। अब हम इसको लिख सकते हैं A की पावर M की पावर n और इसको लिख सकते हैं b की पावर n की पावर m, यानी कि ये आइडेंटिटी, a की पावर m क्या है, आइडेंटिटी, और उसकी पावर n भी आइडेंटिटी, तो इसको ऐसे लिख दो, ये b की पावर n जो है वो भी क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी की पावर m। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है आइडेंटिटी ही आ रहा है, यानी कि a b की पावर कुछ फाइनाइट नंबर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, वहां से हमें क्या फाइंड हो रहा है, आइडेंटिटी होगा, तो इससे इंप्लाइज होगा, इससे क्या इंप्लाइज होगा, थोड़ा सा मिटा के हम ऊपर लिख देते हैं, इससे क्या इंप्लाइज होगा कि जो ऑर्डर ऑफ एबी है, एबी का ऑर्डर क्या है, वो फाइनाइट है, एमएन से छोटा है, यही हम कंक्लूजन निकालेंगे यहां से, इसकी पावर एमएन आइडेंटिटी आ रहा है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो mn से छोटा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ab क्या है हमारा, फाइनाइट है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ab का ऑर्डर mn होगा, mn हो सकता है पर हम यहां कंफर्म नहीं कह सकते कि mn ही होगा, इसलिए ये हम कहते हैं कि mn से छोटा होगा, होगा तो लेकिन फाइनाइट ही, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ab का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है, तो इससे क्या होगा, AB जो है वो एलिमेंट ऑफ H आ गया। तो हमारा जो एक पहला स्टेप है वो यहां पर पूरा हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, A इनवर्स B H में दिखाना है, A इनवर्स H में दिखाना है, तो A इनवर्स की पावर हम क्या करें, M लगाएं, तो इसको हम लिख सकते हैं A की पावर M का इनवर्स, और ये हमारे आइडेंटिटी का इनवर्स वो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, यानी कि इसकी पावर एम क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इससे भी हम वापस क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, यानी कि सिंपल सी बात है, इससे क्या हुआ, ए इनवर्स जो है वो हमें किसने मिल गया, एच में मिल गया। तो हम यहाँ पर ये स्टेप भी प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों स्टेप्स को मिला के हमारे ये प्रूव हो गया है। तो हम दोनों स्टेप से क्या कह सकते हैं कि जो एच जो हमने सबसेट लिया था वो जो है वो हमारे जी जो ग्रुप है उसका सब ग्रुप होगा, और हमने देखा कि जो वन स्टेप टेस्ट है उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने टू स्टेप टेस्ट लगाया, तो हम एक लंबे प्रोसेस में चले पर वही हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल था, इसलिए हम जहां पर जो यूजफुल हो दोनों थ्योरम में से, दोनों टेस्ट में से वो लगा सकते हैं और सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।